नमस्कार, आप सभी को फिर से डीजे सर्जन प्रोडक्शन में स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ। आज मेरे वीडियो में आने का एक ही कारण है कि इससे पहले आप लोग जितना भी मेरा वीडियो देखे हैं अधिकतर मेरा वॉयस ही सुनने को मिलता है, लेकिन आज आने का एक ऐसा कारण है, कहा जाए तो आप मेरे सारे व्यूअर्स के लिए जो भी हमारे चैनल में डीजे सर्जन प्रोडक्शन में जुड़े रहते हैं उन सब के लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि समय के साथ हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग के लिए कुछ नया कुछ लाने के लिए। तो आज का जो वीडियो है आज आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, जो बहुत जल्द उसका फुल वर्जन भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो चीज़ है दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वो जो आप लोग का सरप्राइज़ है वो आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। आखिरकार आ ही गया आप लोग के सामने आप लोग का सरप्राइज। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को जो भी मेरे YouTube चैनल में बने रहते हैं। इसका बहुत दिन से मुझे इंतज़ार था। हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि आप सबके सामने कुछ ना कुछ नया दिखाने का। हाँ, ये नहीं है कि कुछ भी ले आए और चला दिए और बोल दिए कि हम पहले, वो नहीं। कोई भी सामान अगर आप लोग के सामने लाते हैं तो मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि जब तक वो सामान सक्सेस नहीं होता है, मार्केट में उसका एक अच्छा पकड़ नहीं बनता है, तब तक कोई भी कस्टमर को हम सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर वो मेरे चलाने के समय, हम जब चलाते हैं ये सिस्टम को, अगर उस समय सक्सेस नहीं रहता है तो हम वो कस्टमर को भी सजेस्ट नहीं करते हैं। ये नहीं देखते कि इसमें मेरे को ज़्यादा फायदा है या ज़्यादा नुकसान है। मेरा हमेशा कोशिश रहता है जो भी साउंड सिस्टम खरीदे वो उसको ओरिजिनल मिले, साथ ही साथ अच्छा सामान मिले, जिससे वो अपना बिजनेस को चला सके। आज का जो सरप्राइज़ है जो डीजे लाइन से है उन लोग के लिए, और जो डीजे लाइन से नहीं है उन लोग के लिए, क्योंकि बहुत जन डीजे में इंटरेस्ट भी रखते हैं, बहुत सारे मेरे फैंस भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे बहुत सारे चाहने वाले हैं, उन सभी के लिए इसको आप धीरे धीरे अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसका रियलिटी देखिए कि ये आखिर कितना भारी एम्पलीफायर है और किस लाइन में ये इतना भारी है वो भी आपको बताते हैं लास्ट में, वीडियो में बने रहें। हेलो दोस्तों, ये एम्पलीफायर काफ़ी हल्का है, बोला जाए तो इससे 10 से 12 किलो का एम्पलीफायर है, लेकिन जो हम बोल रहे थे कि बहुत भारी है, तो बहुत भारी इसका बेस क्वालिटी है, यानी कि ये अच्छा अच्छा स्पीकर को बाप बुलाने का कैपेसिटी रखता है। अगर इस एम्पलीफायर के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो यहाँ पर जो हमारा SLV का लोगो दिया हुआ है, आप इनका ऑफिशियल चैनल में जाके इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। बाकी मेरा इतना काम था कि आपको ये एम्पलीफायर दिखाना कि ये किस लेवल का है, थोड़ा बहुत डिटेल आपको बता देते हैं। ये आप जो एम्पलीफायर देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो वॉल्यूम नूब है चैनल 1, और ये है आपका चैनल 2, चैनल 2। इसमें आपका सिग्नल 20 डिग्री से लेकर -30 डिग्री तक दिया हुआ है, पीक पावर तक भी दिया हुआ है, और इनका जो डिस्प्ले है इसमें कितना टेम्परेचर वगैरह है वो आपको थोड़ा सा आगे बताते हैं। बाकी इसका जो लूप है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आपका एयर पास होता है, इधर इन होता है, ये आपका पावर बटन है, ये काफ़ी स्मूथ है, समझ लीजिए घर का TV ऑन कर रहे हैं, इतना स्मूथ है, और आप लोग देख सकते हैं। और इसका दिखाते हैं आपको बैक पैनल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो पावर केबल है काफ़ी तगड़ा वाला पावर केबल है, यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी कंपनी के तरफ से, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी पावरफुल जो फैन लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 आप समझ सकते हैं।
कि इतना छोटा सा एम्पलीफायर के लिए इतना काफ़ी सारा फैन लगा हुआ है, और ये फैन छोटा साइज में है लेकिन काफ़ी पावरफुल है, और ये अकॉर्डिंग टू हीट के हिसाब से अपना ये गर्म हवा को बाहर निकालता है, यानी उसके हिसाब से ये स्पीड कम और ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो आपका चैनल को सेटिंग करने का रहता है, मोनो में चलाना चाहते हैं, ब्रिज में चलाना चाहते हैं, ये उसको गेन वगैरह कितना में क्या चलाना चाहते हैं पूरा सेटिंग दिया हुआ है आपको, इसके हिसाब से यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। काफ़ी छोटा दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है कि किस तरह से आपको इसका सेटिंग करना है, किस तरह से मोड में स्टोरियो मोनो क्लिप ऑन क्लिप ऑफ कैसे आपको चलाना है, चैनल ए बी सी डी हर तरह का स्टोरियो और आपका मोनो कैसे या ब्रिज मोड में कैसे चलाना चाहते हैं वो सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। यहाँ पर जो चलाने का जो तरीका है, कौन वाला इसका प्लस है कौन वाला माइनस है वो भी परफेक्ट तरीका से दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ जो रॉन्ग वे है ये भी आपको बताया गया कि आपको इस तरह से नहीं चलाना है। बाकी दोस्तों आप लोग को इसके बारे में बताना चाहते हैं कि इसका जो वाटेज है आपका 8 ओम्स पे 3000 वाट आपका पार चैनल देता है, मतलब बोला जाए तो अभी तक मैंने जितना भी एम्पलीफायर को देखा, मैंने किसी भी एम्पलीफायर को मतलब नहीं देखा कि आपका 8 ओम्स पे 3000 वाट का वो आउटपुट दे रहा है। कोई भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी कंपनी को हम हेट नहीं पहुँचाना चाहते हैं, बाकी इसके बारे में मेरे को जितना अच्छा लगा, मेरे को लगा ये अभी इंडिया के लिए सबसे ताकतवर एम्पलीफायर है जो कि आपका 8 ओम्स पे 3000 वाट का आउटपुट देता है। ये फुल्ली अपने पावर के बेसिस पे डिपेंड रहता है, मतलब पावर सेक्शन जैसे ये क्या करता है, जैसे दूसरा एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, इसमें ट्रांसफार्मर नहीं है, पूरा का पूरा पावर सेक्शन के ऊपर डिपेंड है, बोला जाए तो एसी को डायरेक्ट वाटेज में कन्वर्ट करके दे रहा है, इसीलिए ये एम्पलीफायर आपका करीबन 12 किलो के लगभग में आ जा रहा है। बाकी हमेशा से कहते हैं आप मेरे सारे व्यूवर्स को और मेरे जितने भी फैंस हैं, किसी को निराश नहीं करेंगे, हमेशा बने रहिएगा मेरा चैनल में, आप लोग का प्यार देते रहिएगा, आप लोग को हमेशा नया नया चीज़ का खुलासा करते रहेंगे, अपने ऊपर रिस्क लेंगे, रिस्क लेके इतना महंगा महंगा, और इनका जो प्राइस है ये आपका 1 लाख से ऊपर है, आप इसका अगर एक्यूरेट प्राइस चाहिए तो GST वगैरह सारा चीज़ मिला के करीबन 1,20,000 के आसपास है। बाकी कहाँ पर क्या रेट में मिलता है उतना तो हम डिटेल नहीं बता सकते हैं, अगर इसका वेबसाइट में ऑफिशियल में जाइएगा तो वहाँ पर 1 लाख प्राइस है, जिससे अगर आप कुरियर वगैरह में मंगवाना चाहते हैं तो करीबन हमने वीडियो बना के देखा, वेबसाइट में जाके इनका देखा तो GST के साथ 18% यानी 1,18,000 अप्रोक्स आता है। बाकी कब किस समय इसका क्या प्राइस रहेगा वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहता, इनके कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है, वो किसको किस रेट में देंगे, वो किसके पास उसको मतलब अच्छा लगे, या बोला जाए एक आसान तरीका से कंपनी को कहाँ क्या रेट में देना है वो उनके ऊपर डिपेंड है। ये हम मेरे नॉलेज में जितना आया अप्रोक्स एक रेट आप लोग को बताएं, मेरे पास कितना में आया है इसके लिए भी आपको जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि ऑफिशियली रेट बताने का हम लोग को परमिशन नहीं है। मेरा कोशिश था कि आप लोग को कुछ नया दिखाने का, और ये तो ज़बरदस्त होने वाला है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा सा ये वीडियो में आप लोग को बस दिखाना था कि ये फाइनली झारखंड में हम लोग के पास पहुंच चुका है, और ये जो दमदार चीज़ है इसका मार्केट में आपको देखने मिलेगा जब भी हम लोग कोई बड़ा रोड शो करेंगे, तब सही समय के लिए आप लोग को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 या 2 बॉक्स से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आता है क्योंकि बहुत जन करते क्या करते हैं 1 या 2 ही में बहुत सारे रिव्यू बता देते हैं। मेरा कोशिश रहेगा आप लोग के लिए इसको कुछ और भी कलेक्शन के साथ, इसको इसलिए मंगाए हैं कि पहले ये टिक रहा है कि नहीं वो देखना है, अगर ये टिकेगा तभी इसका और सारा मशीन आएगा हम लोग के पास, उसके बाद आपको रोड शो में देखने को मिलेगा। बाकी मैं धन्यवाद
देना चाहता हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को, मेरे सारे यूट्यूबर को जो भी मेरे चैनल में बने रहते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।